देखो हम लोगों का क्या था कि अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम लोगों को पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, रियल पार्ट, ये रियल पार्ट यानी एक्स, और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। ठीक, यहाँ तक कंफर्म है। अगर इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो जेड बराबर हम लोग को क्या होता था? आर, और क्या था? आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये था हम लोगों को, जिसमें आर हम लोग कैसे निकालते थे, जिसमें आर हम लोगों को निकलता था, आर बराबर क्या था? मैग्नीट्यूड, सॉरी, मोड ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर। सर प्लीज कंट्रीब्यूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था? सर ये आर इक्वल टू मॉडुलस ये जेड था ना उसके इक्वल टू रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस सर रूट था उसमें हाँ, ये था। तो मोड भी यही ना होता है? हाँ, तो मोड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आर, आर बराबर जेड का मोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। इसके बाद हम लोग निकालते थे क्या? थीटा। और ये जो थीटा निकलता है ना, ध्यान रखो, ये जो थीटा निकलता है ना, यही है हम लोगों को एम्पलीट्यूड, इसको ध्यान रखना, अर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, यही जो थीटा है ना, यही थीटा बराबर, जिसको हम लोग ए आर जी यू एम ई एन टी, अर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना? यही है हम लोगों का थीटा। अब जैसे देखो यहाँ पे हम लोग करते क्या थे, थीटा अगर ये जो यहाँ पे, मतलब कि अगर एक्स का वैल्यू केवल हम लोगों का केवल रियल वैल्यू दिया जाएगा, और रियल वैल्यू में एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये इधर भागेगा और इधर भागता था, तो थीटा हम लोग को क्या मिल जाता था? जीरो। यानी कंडीशन क्या था कि जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है, केवल रियल वैल्यू में एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है, तो हम लोगों को थीटा क्या मिलता था? थीटा मतलब यही एम्पलीट्यूड क्या मिलता था? 0 डिग्री। ठीक, और सेकेंड क्या था कि अगर एक्स इज लेस देन जीरो, यानी लेस देन जीरो कहने का मतलब कि इधर भाग रहे हैं इधर, तो हम लोगों को थीटा क्या मिलता था? थीटा यानी यही है एम्पलीट्यूड, हम लोगों को ना थीटा हम लोगों को मिलता था क्या? पाई मिलता था। और ये तो एक्स और वाई हो गया, लेकिन जब हम लोग इमेजिनरी पार्ट में जाते थे, इमेजिनरी पार्ट में, ये तो रियल पार्ट हो गया, रियल वाला यानी प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। ठीक, और थीटा हम लोग कहाँ से मेजरमेंट करते? यहाँ से। मान लो इस तरह ऐसे हम लोग एक रिप्रेजेंट कर दिए, अगर पोलर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग? आर और थीटा के टर्म में, और थीटा हम लोग यहाँ से हमेशा मेजरमेंट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में ना। ठीक, यही थीटा था हम लोग। अब देखो ये प्योरली रियल था, लेकिन अगर प्योरली इमेजिनरी रहता था तो उस समय हम लोग क्या करते थे? वाई चेक करते हैं, वाई, क्योंकि इमेजिनरी कहाँ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? देखो रियल नंबर, रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेजिनरी पर वाई, इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे। यानी अगर हम लोग को वाई इज ग्रेटर देन जीरो रहता था, तो देखो वाई हम लोग ग्रेटर देन जीरो यानी ऊपरे भागेंगे, तो थीटा कितना बनेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री। यानी अगर वाई इज ग्रेटर देन जीरो है, तो थीटा यानी एम्पलीट्यूड या अर्गुमेंट क्या बनेगा हम लोगों को? पाई बाय टू। ध्यान रखना कैसे कैसे बन रहा है। सो अभी हम लोग केवल रियल और इमेजिनरी पे बात कर रहे हैं। अगर वाई इज लेस देन जीरो आ जा रहा है, लेस देन जीरो मतलब नीचे भाग रहा है, तो ये नीचे आ जाएगा थीटा, और नीचे आ जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा? थीटा यानी एम्पलीट्यूड बराबर माइनस पाई बाई टू। यहाँ तक सबको, हमको नहीं लगता है कि यहाँ तक किसी को परेशानी हो रहा है। लेकिन लेकिन अगर दोनों साथ साथ दे दे, यानी रियल वैल्यू, रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट दोनों साथ साथ दे दे, तब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को एक नया फॉर्मेट आता था, जिसमें हम लोगों को चार वो केस बनता था। उसको देखेंगे पहले, उसको भी देखेंगे कि वो वाला कैसे हम लोग को काम कर रहा है। सो लेकिन पहले अगर हम लोगों को केवल
रियल वैल्यू और केवल इमेजिनरी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि कल हम लोग देखे थे, एक दो को क्वेश्चन उठाते हैं फिर से। क्वेश्चन तो यहाँ तक तुम लोगों को ना, हमको नहीं लगता कि इसमें किसी को परेशानी हो रहा होगा बनाने। हो रहा था क्या किसी यहाँ को? तक नहीं सर। हाँ सर साइन कॉस के तो रेंजे हो गया ये तो। हाँ तो साइन कॉस का ही तो रेंज होता है। और यहाँ पे एक चीज ये भी, थीटा का वैल्यू था। थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा ये भी था। थीटा हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा ये भी था हम लोगों को। थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। देखो थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस एंड इक्वल देन पाई। ये था हम लोगों को, यानी 0 रेडियन से पाई। 0 रेडियन के बराबर नहीं होगा, मतलब 0 से बड़ा और पाई से छोटा या पाई के इक्वल। लेकिन सॉरी रुक जा, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ माइनस पाई था क्योंकि 0 तो है ही है यहाँ पे, और माइनस पाई बाई 2 भी इधर आ रहा है। हाँ माइनस पाई हो जाएगा। थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा इसमें, यानी क्योंकि इधर तो हम लोग को माइनस पाई भी दे रहा है ना। थीटा का वैल्यू माइनस पाई से बड़ा और पाई के बराबर या पाई से छोटा होगा, इसको भी ध्यान रखना। ये है थीटा का रेंज। चलो यहाँ तक ना हमको नहीं लगता है कोई किसी को प्रॉब्लम होगा अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दे तब ना। इससे हम एकक इसमें करके, एक क्वेश्चन था कि हाँ एकक से चलो एकक सर एकक क्वेश्चन बना देते हैं इससे। सर ओ आई अगर 0 के बराबर हो तो वाई क्या इक्वल टू 0 के वाई बराबर इक्वल टू होता नहीं जीरो सर। वाला कंडीशन नहीं देगा? हम लोग को ग्रेटर और इक्वल पे ही बात करना है। और वाई बराबर 0 रहेगा तो फिर वो तो हम लोग को यहीं पे दे देगा ना, ओरिजिन पे ही ना दे देगा। ओरिजिन पे दे देगा तो ना तो एक्स एक्सिस पे भागेगा ना वाई एक्सिस पे भागेगा। अगर वाई बराबर 0 मिले तो फिर वो हम लोग को कोई बनेगा ही नहीं इमेजिनरी पार्ट। अगर वाई बराबर तुम्हारे उसका बोल रहे हो 0 तो इमेजिनरी पार्ट बना ही कहाँ, वो तो 0 i हो गया। 0 i का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए वो अगर वाई बराबर 0 मिले तो फिर कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही नहीं बनेगा। अब रुको एकक का पहले इससे क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों। सर हाँ एक एग्जांपल इस पर बता हाँ दीजिए। हाँ इस दोनों इससे क्वेश्चन कर लेते हैं इमेजिनरी और रियल पे। तो फिर दोनों अगर साथ में रहेगा ना तो उसको कैसे करेंगे उसको देखेंगे। जैसे कि हम लोगों को एक माइक पहले तुम लोग ऑफ रखो तो। अरे किसका माइक ऑन है, कहाँ नहीं सुनता है, मतलब नाम भरना होगा तब पता चलेगा कि किसका माइक ऑन है। MD अशरफ आल अशरीफ आलम मनीष कुमार, क्या है ऐसे करते हो? अशरीफ आलम सर सो गया तुम ज्वाइन करके, तो माइक ऑफ क्यों नहीं कर रहा? अरे अरे जी कल का वीडियो का कल का वीडियो तो दिए ही थे। हाँ ग्रुप में तो डालिए दिए थे, तो ग्रुप से देखता ना। जैसे देखो हम लोगों को अगर एक कोई दिया हुआ है, मान लेते हैं कि एक कोई हम लोगों को दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, एक हम लोगों को प्योरली रियल वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको अगर जेड बराबर -3 इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डालते हैं तो 0 i के फॉर्म में डालेंगे। 0 i का कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखो इसको हम लोगों को चेंज करना है पोलर फॉर्म में, ठीक है ना? इसको हमको चेंज करना है पोलर फॉर्म में, चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? पोलर फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है? r cos θ + i sin θ, यही होता है पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले आर निकालते हैं यहाँ से। और ऐसे भी देखो ऐसे में भी क्या प्योरली रियल पार्ट है। रियल पार्ट में एक्स एक्स इज क्या है यहाँ पे देखना, दिस इज प्योरली रियल पार्ट वेयर एक्स इज लेस देन 0। एक्स क्या है? लेस देन 0। जैसे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो रियल वैल्यू एक्स एक्सिस पे होता है और एक्स एक्सिस बराबर -3, एने भाग रहा है -3, यानी एक्स क्या है 0 से कम है। और जब 0 से कम बनता है एक्स तो थीटा का वैल्यू क्या मिलता है हम लोगों को? इधर अभी भाग रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को? पाई मिलेगा। यानी एक तरह से एम्पलीट्यूड हम लोगों को मिल गया पाई। अब निकालना केवल आर यानी मोड निकालना है।
मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला है, इसको निकालो, -3 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर का अंडर रूट, 3 तिया ही 9 प्लस 0 अंडर रूट 9 बराबर 3। तो देखो आर बराबर क्या निकला, 3, और फिर थीटा यानी एम्पलीट्यूड बराबर क्या निकला, पाई। और एम्पलीट्यूड कैसे निकला हम लोग देख के बता दिए, क्यों, क्योंकि हम लोग कंडीशन पढ़े हैं, अगर एक्स इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो फिर थीटा का वैल्यू 0 होगा, और लेस देन 0 रहेगा तो थीटा का वैल्यू पाई होगा, थीटा का वैल्यू पाई निकला। यार यार क्या, यार अरे याद का करना, अरे इतना नहीं समझ में आ रहा है, रिप्रेजेंट करो ना, एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो इधर भागेगा 0 डिग्री देगा, और एक्स इज लेस देन रहेगा तो इधर भागेगा, तो थीटा बराबर क्या देगा, पाई देगा। इसको याद का करना है। अब वाई का कंडीशन क्या, अगर वाई बराबर कुछ दिया हुआ है, वाई ऊपर भाग रहा है यानी 0 से बड़ा है तो पाई बाई 2 वैल्यू देगा, और नीचे भाग रहा है तो -π देगा, सॉरी -π/2 देगा। और वैसे भी देखो ना, 0π/2 180 ऐसे ही तो भागता है, फिर इधर से भी चलोगे तो 0 -π इस, हाँ थीटा बराबर अगर वाई पर रहेगा तब तो। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या पोलर फॉर्म मिलेगा, देखो पोलर फॉर्म हम लोगों को मिलेगा जेड बराबर, आर कितना निकला हम लोगों को, 3, और यहाँ पे थीटा बराबर क्या निकलेगा, क्योंकि देखो रियल वैल्यू दिया हुआ है, रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू इधर भाग रहा है तो ये रियल वैल्यू इधर भाग रहा है यानी 0 से कम है, तो थीटा का वैल्यू पाई होगा, तो जेड बराबर कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, यही हम लोग का क्या है, दिस इज पोलर फॉर्म। चलो अगर रियल इमेजिनरी, ये तो हो गया रियल वैल्यू रहेगा तब, अगर इमेजिनरी पार्ट रहेगा तब क्या होगा, सो देखो सेकेंड लेते हैं हम लोग, जेड बराबर हम लोग का स्पेस ये है 2y, -2y है एक हम लोगों को इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट है तो ये कहाँ भागेगा, वाई एक्सिस पे भागेगा। अब यहीं से सारा चीज चेक हो जाएगा, पहले इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो, जेड बराबर 0 -2y, ठीक, 0 -2y, अगर इसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो पोलर फॉर्म में क्या हम लोग को निकलेगा, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा निकलेगा, आर बराबर निकल जाएगा डायरेक्ट, आर बराबर मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ जेड ये है 0 प्लस -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 0 प्लस 2 दूनी 4 यानी क्या निकलेगा, 2 मिला, आर बराबर क्या निकला, 2 मिला। अब हमको निकालना है एम्पलीट्यूड थीटा, तो एम्पलीट्यूड थीटा कैसे निकलेगा, देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है, यानी हम लोगों को इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, और इमेजिनरी पार्ट में y इज ये क्या, -2 है, यानी y इज लेस देन 0, y क्या है, 0 से कम है, यानी 0 से कम है मतलब नीचे भागेगा, नीचे भागेगा, नीचे भाग, y इज लेस देन 0 देन थीटा, यानी थीटा बराबर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बराबर क्या होगा हम लोगों को, -π/2। अब फिर जो पोलर फॉर्म है उस पोलर फॉर्म में सपोर्ट कर दो, देन पोलर फॉर्म इज इक्वल टू क्या था, जेड बराबर ये तो फॉर्मेट है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर के जगह क्या 2 क्या हो रहा है, अरे -π/2 यही तो हम बता रहे हैं उतना देर से, कि अगर रियल रहेगा और इमेजिनरी रहेगा तो कैसे होगा, से देखो रियल, अच्छा ये रहेगा मान लो कि इमेजिनरी पार्ट रहेगा तो ये भागेगा कहाँ पे, ऊपर भागेगा ना, इमेजिनरी कौन एक्सिस पे बनता है बताओ, इमेजिनरी एक्स एक्सिस पे बनता है, तुम दिमाग कहाँ रख ले है अंकित, तुम पिछले क्लास ज्वाइन किया था कि नहीं सो बता, तब कल वाला पढ़वे नहीं किया तो आज कैसे समझ में आएगा, सिस्टम है सर ना अरे तो हाँ आगे वीडियो पहले वाला, अच्छा तुम बताओ पहले वाला क्लास करेगा ही नहीं तो आगे वाला फिर फॉर्मेट कैसे, जो मैं आगे वाला पहले वाला पहले बेस्ट रहता है, देख लो बस।
ये सिस्टम नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है कि मतलब आगे वाला पीछे नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं समझ में आएगा। ऑब्वियसली है, ये सब कल हम पढ़ाए थे, वही वाला को आज हम रिवाइज करवा रहे हैं। तो क्लास मिस मत करो, और ये सिस्टम नहीं, ये प्रोसेस है। और रूम से अच्छा कोई बात नहीं है, फिर देख लेना ना, रिकॉर्डेड वीडियोज देख लेना, दोनों एक ही साथ में तो हो जाएगा। जैसे देखो एक सेक्सिस पे क्या होता है ना, एक सेक्सिस पे रियल पार्ट का बनता है, रियल पार्ट एक सेक्सिस पे बनता है, इमेजिनरी पार्ट कहाँ बनता है, वाई एक्सिस पे बनता है। और वाई एक्सिस में अगर वाई इज लेस देन जीरो हो रहा है, लेस देन जीरो मतलब नीचे जा रहा है, तो तब थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, -π/2। और वाई इज ग्रेटर देन जीरो यानी ऊपर भाग रहा है, तब थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, π/2। ये याद रखो बस। और पहले कल वाला सर ये लेक्चर, कंडीशन दिया रहेगा, सर ये कंडीशन दिया रहेगा वाई ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो। अरे ये जनरल कंडीशन है, यहाँ से तुम लोग को पकड़ना है कि y का वैल्यू दिया हुआ कहाँ है। जैसे एक नंबर y का वैल्यू -2i दिया हुआ था, तो यहाँ पे देखो तो y का वैल्यू -2 है ना इमेजिनरी पार्ट में, तो -2 अब कहाँ भागेगा, यहाँ पे देखो -2 नीचे भागेगा। और -2 क्या है, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। छोटा है सर, हाँ तो 0 से छोटा है, तो वाई इज नीचे लेस में देन आएगा जीरो, सर। ये वाला पकड़ेंगे कंडीशन। और इसमें देखो थीटा का वैल्यू -π/2, तो कंडीशन पकड़ो और वैल्यू पुट करो। दिया हुआ क्या, ये कंडीशन है, इसको दिमाग में रखो, याद रखो इसको। तो यहाँ पे क्या हम लोग को मिलेगा, थीटा बराबर -π/2, तो यहाँ डालो कॉस -π/2 प्लस आई साइन थीटा बराबर -π/2। क्लास मिस मत करो, जो भी क्लास होता है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, पहले वाला नहीं है, कंपटीशन वाला क्लास, तो क्लास मिस मत करो। जब जब क्लास होती है क्लास करो टू, और नहीं क्लास कर पाते हो तो वीडियोज देख लिया करो। यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस π/2 मिलेगा, और यहाँ से -12 आ जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 2i sin π/2। यही है। कौन सो गया, माइक तुम लोग खुद से ऑफ करके रखा करो। चलो यहां तक हो गया। और अच्छा अब यहाँ के बाद देखो, अब यहाँ के बाद देखो, ये तो अगर सिंपल, ये तो समझो एक तरह का सिंपल फॉर्मेट में है कि अगर एक्स एक्सिस दे दे वाई एक्सिस दे दे डायरेक्ट, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर दोनों साथ साथ दे दे, एक्स वाई दोनों साथ साथ दे दे, तो उसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, उसी को समझना है हम लोगों को। और उसी में आता है टैन थीटा। जैसे देखो अगर हम लोगों को कोई एक करके अलग अलग पढ़ते हैं, अगर हम लोगों को कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे दे दोनों फॉर्मेट में, यानी एक्स प्लस आई वाई, इस जगह पे देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई आई लिखते हैं, वाई आई देखो, तो यहाँ पे एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में है। इस सिचुएशन में देखो एक्स भी प्लस में यानी एक्स एक्सिस इधर भागेगा, एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में, यानी थीटा कौन सा, यहाँ से तो हम लोग इसका अगर पोलर फॉर्म निकालना है तो पोलर फॉर्म आर तो हम लोग निकाल सकते हैं, √x² + y², लेकिन थीटा निकालना पड़ता है यहाँ पे। थीटा तो थीटा मतलब कि एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा सो देखो, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, हम लोग को थीटा होता है, तो ये थीटा है हम लोग का। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ हम लोग को एक्स और वाई दिया हुआ रहेगा, ये हम लोग का क्या है, यही थीटा। थीटा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसी को हम लोग थीटा बराबर अल्फा ले ले रहे हैं, नहीं इसे अल्फा ही मानते हैं, अल्फा बराबर थीटा मानते हैं, अल्फा बराबर थीटा, क्योंकि थीटा हमेशा ध्यान रखना यहीं से एक्स एक्सिस से ही मेजरमेंट होगा थीटा, और अल्फा अलग हो जाएगा, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा, और यहीं पर एम्पलीट्यूड हम लोगों को इसका निकालना है, यानी यही अल्फा बराबर थीटा। तो कैसे निकलेगा एम्पलीट्यूड, मतलब क्या होता है, एक तरह का परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा।
इस पॉइंट का इसके हिसाब से एक्स और वाई के हिसाब से इसका हम लोग को कुछ कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक्स और वाई मिलेगा। अब यहाँ से देखो तो यहाँ से निकालो टैन अल्फा या टैन थीटा निकालो, क्योंकि फर्स्ट में तो वही है, तो टैन अल्फा निकालते हैं। टैन अल्फा बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स जाएगा और यहाँ से यहाँ तक वाई जाएगा, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। रुको ना अभी, रुको ना रुको ना, मोड भी बता रहे हैं, मोड भी बता रहे हैं। ये वाई बाई एक्स होगा, और ये जो वाई बाई एक्स होगा इसको हमेशा मोड के फॉर्म में लिखना, चाहे वो फर्स्ट में रहे, सेकेंड में रहे, थर्ड में रहे, फोर्थ में रहे, कोई में भी रहे, ये हमेशा मोड के टर्म में रहेगा, ठीक। और यहाँ से हम लोग को निकालना है अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये हम लोग को हमेशा मोड में रहेगा। तो देखो अल्फा अगर फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा हम लोगों का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा बराबर निकलेगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा यहाँ पे। और अगर मान लेते हैं कि जैसे, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये कंडीशन है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कोई भी एक पोलर फॉर्म उठाते हैं, सॉरी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाते हैं और उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, रूट थ्री प्लस आई, हम लोगों का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, रूट थ्री प्लस आई, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको ना हम लोगों को पोलर फॉर्म में चेंज करना है, यानी पोलर फॉर्म कहने का मतलब कि जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में चेंज करना है, जहाँ पे आर बराबर तो सबसे आसान है निकालना मोड, लेकिन यही जो थीटा है ना इसको निकालने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखो यहाँ पे रूट थ्री प्लस आई कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका हम लोग ना फिगर बनाते हैं, यानी एक्स बराबर रूट थ्री, एक्स रुक जाओ ना, एक्स बराबर रूट थ्री और वाई बराबर वन, तो यानी ये कौन सा फॉर्मेट देगा, रूट थ्री और वन यहाँ पे वैल्यू देगा, यहाँ से यहाँ तक रूट थ्री देगा ये, और यहाँ से यहाँ तक क्या देगा, वन देगा। तो सबसे पहला आर निकाल लेते हैं, आर ये वाला होता है, आर क्या होता है, एम्पलीट्यूड, तो आर निकाल दो, मोड ऑफ जेड बराबर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर। पहले वाला लेक्चर देखना अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो थ्री प्लस वन क्या होगा, फोर हो जाएगा, और फोर मीन्स टू, चलो आर बराबर तो टू निकल गया। अब हाँ, अब यहाँ पे देखो आर निकल गया, अब थीटा का वैल्यू निकाल, तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मेट देखो, थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा बराबर थीटा होता है ना, तो डायरेक्ट यही यही फॉर्मेट में ले जाओ, हम लोग लिख देंगे ना टेन अल्फा, यानी टेन अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अल्फा बराबर थीटा होगा। अब याद वाद मत रखो, डायरेक्ट यहीं से बनाओ, और है ये राइट एंगल ट्रेंगल, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, देखो टेन अल्फा बराबर पी बटा बी होता है, यानी वन बटा रूट थ्री, और ये भी क्या होगा मोड के फॉर्मेट में, अल्फा निकालेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग को, टेन इनवर्स वन बटा रूट थ्री, और यहाँ से ये मोड रहेगा, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, टेन इनवर्स मोड ऑफ ये क्या मिलेगा, टेन इनवर्स सॉरी टेन पाई बाय पाई बाय सिक्स मिले। अब देखो टेन इनवर्स टेन ये कैंसल आउट, यानी टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, तो यानी ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा पाई बाय सिक्स, यानी अल्फा बराबर पाई बाय सिक्स। अब देखो अल्फा भी निकल गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो अल्फा बराबर क्या होगा, थीटा होगा, अल्फा बराबर थीटा बराबर पाई बाय सिक्स। अब सब तो निकलिए गया, एम्पलीट्यूड निकलिए गया है, यहाँ अल्फा बराबर थीटा और आर का वैल्यू निकलिए गया, तो पुट करो इसमें और निकाल दो को पोलर फॉर्म, तो हम लोगों को पोलर फॉर्म क्या निकलेगा, पोलर फॉर्म निकलेगा जेड बराबर आर कितना है, आर है हम लोगों का दू दू कॉस थीटा का वैल्यू पाई बाय सिक्स प्लस आई साइन पाई बाय सिक्स, यही आंसर हो गया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो अल्फा बराबर थीटा है। अब देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्म, देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्म, देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्म, देखते हैं, आसान है, कोई भारी भरकम नहीं है, पहले इसको लिखो, मिटाते हैं, समझ रहे हैं। समझ जाओगे, ज़्यादा भारी नहीं है। कल कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा ना, कल क्यों प्रॉब्लम हुआ होगा ना, कि एक अचानक से नया नया चीज़ आ गया था, इसीलिए कल दिक्कत हुई। यस हाँ, अब वही कल वाला समझा कुछ कुछ, और कुछ कुछ आज समझ तो गए यहाँ बस। पे अल्फा थीटा में डिफरेंस बता सकते हैं क्या, क्या अल्फा और थीटा में डिफरेंस बता सकते हैं?
हाँ बताएंगे, अभी रुको ना, अभी क्या डिफरेंस है से बताते हैं। अल्फा से बनाया है वो साइन और कॉस से ही बन जा रहा है, उसका अरे तो नहीं हाँ, बनेगा तो भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा क्यों नहीं, सब बनेगा। साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के फिर टेन थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, इसीलिए बन जा रहा है साइंस। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ में जाएगा ना तो नहीं बनेगा साइंस। एम्पलीट्यूड को ही आर्गुमेंट बोलते हाँ इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट, बोलते हैं इसी को, यही है। एम्पलीट्यूड मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर, या आर्गुमेंट मतलब भी वही होता है। इसको मिटाते हैं पहले। अब देखो एक सवाल आया है कि सर अल्फा और आप थीटा क्यों ले रहे हैं, इसका रीजन क्या है बताइए। तो देखो इसको समझो, बात सही है कि हम क्यों ले रहे हैं। हम इसीलिए ले रहे हैं ना क्योंकि हमको, हम लोग को सबसे पहले देखो थीटा का रेंज मालूम है। थीटा को कहाँ से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, एक्स एक्सिस। अगर ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पोलर फॉर्म रहेगा, अच्छा से समझना, कोई भी पोलर फॉर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो यहीं से ना मेजरमेंट करेंगे, और यहीं से मेजरमेंट करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, थीटा बराबर अल्फा हो गया, यानी दोनों का। लेकिन अगर यही चीज़ हम लोगों को सेकेंड क्वाड्रेंट में घुसेगा, तो देखो समझो इसको, अगर यही चीज़ हम लोगों को सेकेंड क्वाड्रेंट में घुसेगा, ठीक, और हम लोगों का पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म का फॉर्मेट होता है जेड बराबर आर कॉस थीटा होता है, यहाँ पे थीटा अल्फा नहीं पढ़े हैं हम लोग, मतलब थीटा आई पढ़े हैं, प्लस आई साइन थीटा। और थीटा कहाँ से मेजरमेंट होता है, थीटा मेजरमेंट होता है एक्स एक्सिस से, यानी यहाँ से एक्स एक्सिस से मेजरमेंट होगा। और थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस और इक्वल देन पाई, ठीक। हाँ ये होता है। अब देखो अगर मान लेते ये सेकेंड क्वाड्रेंट में घुसा, तो हम लोगों को थीटा क्या चाहिए, यहां से ना हम लोगों को ये वाला थीटा चाहिए, ये वाला, यही से ना, क्योंकि हमेशा थीटा कहाँ से मेजरमेंट होगा, एक्स एक्सिस से ही मेजरमेंट होगा, तो थीटा हमको क्या चाहिए, ये वाला थीटा चाहिए। देखो हम लोग देख रहे थे कि थीटा और अल्फा का रिलेशन देख रहे थे, तो देखो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो देखो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहेगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट एक्स वाला। देखो एक्स इधर भागेगा, यानी एक्स मतलब कि निगेटिव भागेगा, यानी एक्स माइनस एक्स निगेटिव भागेगा, प्लस में वाई क्या रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा, यानी आई वाई। अगर कोई भी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहेगा तो यही फॉर्मेट में देगा, यानी एक्स माइनस में देगा और वाई प्लस में देगा, तभी ना सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस, सॉरी एक्स माइनस और वाई प्लस भागता है। तो देखो इस पॉइंट का हम लोगों को कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट मिलेगा, माइनस एक्स और वाई मिलेगा, ठीक। और हम लोगों को एम्पलीट्यूड निकालना, तो एम्पलीट्यूड इधर ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर गिराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा एक्स और यहाँ से यहाँ तक मिलेगा वाई। अब देखो जब एक्स और वाई मिला तो हम लोग को निकलेगा क्या, हम लोगों को निकलेगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और जो एंगल निकालते वही होता है अल्फा, ठीक ना। लेकिन रियल में थीटा कौन सा है, रियल में इस जगह पे अल्फा नहीं पुट होगा, इस जगह पे क्या पुट होगा, थीटा का वैल्यू पुट होगा। तो देखो ये वाला एंगल हम लोगों को अल्फा तो निकल जाएगा, अब हम लोगों को चाहिए क्या, थीटा चाहिए, तो कैसे निकलेगा, तो देखो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल होता है, यहाँ से एक लेके सौ यहाँ अस्सी तक टोटल 180 होता है ये पाई। मान लेते हैं डिग्री। हाँ और पाई किसके किसके बराबर है, ये देखो यहाँ थीटा, थीटा प्लस यानी अल्फा निकला, थीटा प्लस अल्फा, हमको चाहिए क्या, थीटा चाहिए, तो इस अल्फा को उठा के क्या करेंगे, एन ए करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, पाई माइनस अल्फा बराबर थीटा। यही तुम लोग ना, तुम लोग देखो कल हम लिखाया थे ना कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा बराबर अल्फा बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का कंडीशन लिखाए होंगे थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट का भी कंडीशन लिखाए होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी कंडीशन निकालेंगे, यही है। तो समझ में आ गया कि अल्फा कह, अगर अल्फा यहाँ पे ये हो गया और थीटा ये हो गया, अगर यही चीज थर्ड क्वाड्रेंट में घुसता तो सोचो, थर्ड क्वाड्रेंट में एने घुसता ना तो ऐसे निकालते, और हम लोग को ये वाला अल्फा होता है, ये वाला अल्फा। लेकिन रियल में थीटा कौन सा होगा, रियल में थीटा यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से चलेगा, ये वाला थीटा होगा, होगा ना थीटा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तब इसमें थीटा कैसे निकलेगा, इसमें थीटा निकलेगा यहाँ, यहाँ से देखो
या ये टोटल थीटा है, तो थीटा बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, यानी पाई और प्लस में इन्हें क्या जोड़ेंगे, अल्फा, पाई पाई प्लस अल्फा, तो ये हम लोग को थीटा निकल जाएगा जब जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट वाला कैसे कॉम्प्लेक्स होगा, जेड बराबर माइनस एक्स माइनस आई वाई, कौन तो अभी पूछा था ना हमसे कि जेड बराबर सर माइनस वन माइनस टू आई है, अब इसको हम लोग कैसे पोलर फॉर्म में चेंज करें, तो दे क्या था, हाँ आई था, तो इसको कैसे हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करें, देखो आ गया ना माइनस, और दोनों माइनस माइनस है, यानी माइनस वन माइनस वन। अब चेंज करो यहाँ से आर निकालो पहले, और फिर थीटा बराबर निकलिए रहा है, पाई प्लस अल्फा निकाल देना, अल्फा यहाँ से पाई प्लस अल्फा निकालो निकल जाएगा। थर्ड का पाई माइनस अल्फा होता है, अल्फा माइनस पाई होता है सर। हाँ सॉरी, अल्फा माइनस पाई होता है। अच्छा तब रुको, क्या होता है, अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस, अच्छा रुक जा, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो रहा है हम लोग को, क्या गड़बड़ हो रहा है ना, देखो हम लोग को थीटा क्या चाहिए, हिया से लेके हिया तक, यानी जो फॉर्मेट है वो वाला, तो हम लोगों को ये वाला थीटा लेके हिया से लेके हिया तक है ना, ये थीटा ये वाला, क्योंकि हम लोगों को ये वाला पोलर फॉर्म है, तो थीटा ये वाला है, तो गड़बड़ हो रहा है, देखो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हिया से लेके हिया तक, थीटा बराबर हिया से लेके हिया तक क्या हो जाएगा, पाई होगा और प्लस इधर अल्फा होगा, पाई प्लस अल्फा यहाँ तक तो ठीक है, हाँ बोलो, वो सिग्नल बनाया है, वो आई माइनस, हाँ सर वाई है, तो आवाज नहीं, माइनस वहाँ पे एक्स नंबर, ये माइनस एक्स से ये है देखो इधर माइनस जा रहा है और इधर माइनस है, अब रुक जा यहाँ पे, और रेंज रेंज देखो, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, रेंज है हम लोगों को माइनस पाई से, माइनस पाई और थीटा, हम लोगों को क्या चाहिए, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, बढ़िया से बोलो, एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो हाँ बोल रहे हैं कि सर वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ आप जा रहे हैं, तो सर आप केवल एक्स लिखे, माइनस एक्स क्यों नहीं लिखे हैं, कहाँ पे, ये सेकंड फिगर में, सेकेंड इसमें यहाँ लिख हाँ सर दो माइनस वाई, एक्स तो मैं, लिखते हैं, थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा ही होगा रे, जहां तक लग रहा है बुक में, लेकिन तुम लोग का बुक में क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे तो अब गड़, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर ये चला रहा, चलना पड़ रहा, मतलब अकॉर्डिंग टू ये करना पड़ रहा है प्रोसेस, तो अल्फ थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा आ रहा, थर्ड में वो होगा पाई प्लस अल्फा माइनस पाई, अब देखो थर्ड थर्ड में, अच्छा रुक जाओ, ये थर्ड है पाई प्लस अल्फा, अब फोर्थ का देखते हैं, अच्छा फोर्थ का तो माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, आर एस अग्रवाल में तो दिया है अल्फा माइनस पाई दिया, तुम गलती आपकी से भी बनाया है सर, यही है आर एस अग्रवाल सर, अल्फा माइनस पाई ही लिखवाए थे कल, अच्छा रुको रुको, अल्फा यहाँ पे भागेगा, अल्फा पाई प्लस अल्फा, क्योंकि ये वाला पूरा हम लोग
यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, थीटा बराबर इधर से इधर पाई प्लस नहीं अल्फा नहीं हुआ। सर हाँ बोलो सर, पहले पहले मेरा देख लीजिए सर, ये ऐसे हो सकता है सर? कैसे दिखा सर, कैमरा से मूव ही नहीं हो रहा है। पोर्ट्रेट करो, वन मिनट सर। अरे यार देखो एक रुक जा रुक जा, अच्छा रुको रुको, हम बताते हैं, समझो कैसे होगा सो, इसको समझो तुम कैसे होगा सो। ये तो थीटा बराबर पाई, हाँ हाँ देखो हो जाएगा। देखो एक चीज और, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक अगर इधर लें, और मतलब कि एक बार इधर से रोटेट करें और एक बार इधर से रोटेट करें, तो ये अगर इधर से रोटेट करेंगे ना तब देखो कैसे होगा सो। लेकिन देखो ये थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा कब होगा, इसका कंडीशन भी हम लिख दे रहे हैं। ये भी ये गलत नहीं है, ये भी सही है, समझा ना, पाई प्लस अल्फा। हाँ ये कब होगा, ये जब, हाँ ये जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ना, एंटी सीएलओसी के एंटी क्लॉकवाइज, तब ये कंडीशन आएगा। इसीलिए ना हम बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत नहीं है, ये भी सही है प्रोसेस है। और अगर हम लोग जब क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज तो देखो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हिया से एने भागेंगे, हिया से भागेंगे तो हिया आएगा हम लोगों का क्या, पाई आएगा। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए यही तक का वैल्यू, यही ना हम लोगों को चाहिए, यहाँ तक का ही वैल्यू चाहिए हम लोगों को। तो टोटल अगर मान लेते ये थीटा है, हमको निकालना है थीटा ही निकालना है ना, तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो इधर जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस और पाई, तो ये माइनस पाई मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें से ये वाला हमको पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट को रिमूव करना होगा। वैसे भी सर उस फिगर में भी सर यहाँ तक तो अल्फा हुआ ना सर, एक्स एक्सिस से। रुको रे रुको ना, अगर इधर लेंगे यहाँ, अगर थीटा ये वाला है ना, तो हम लोग को क्या मिला, थीटा प्लस, देखो यहाँ यहाँ से यहाँ तक थीटा, ये वाला थीटा यहाँ से यहाँ तक थीटा प्लस इधर अल्फा, थीटा प्लस अल्फा बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा, थीटा प्लस अल्फा बराबर हम लोगों को माइनस पाई मिलेगा, ठीक। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। देखो देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से ये है हम लोगों का क्या, ये वाला हम लोग को अल्फा है, ठीक। अगर इसको ऐसे मिला देते तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन हम लोग बना रहे हैं, पहला अगर यहाँ पे ऐसे हम लोग एंटी, देखो ये हम लोग का क्या है, ये है हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा नहीं, ये क्या होगा थीटा होगा, ठीक। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा हम लोगों को पाई प्लस, पाई प्लस अल्फा, ठीक। ये भी ये कंडीशन गलत नहीं है, ये भी कंडीशन सही है। और तुम लोग का जो बुक हम दिए है ना, उस बुक में यही कंडीशन मिलेगा पाई प्लस अल्फा का। और जब हम लोग, और जो आर एस अग्रवाल ने बनाया है, ये इस तरह से बनाया, इस तरह का फॉर्मेट लेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग लेना चाहें तो देखो इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं तो इधर हम लोग निगेटिव में मेजरमेंट करते हैं एंगल, अगर अकॉर्डिंग टू चला जाए ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये निगेटिव में एंगल मेजरमेंट करते हैं, तो इधर से तो पाई प्लस, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को क्या मिलेगा थीटा, ये वाला थीटा ना हम लोग को चाहिए, ये थीटा, और ये थीटा भी क्या है, माइनस थीटा का, ये माइनस थीटा मिलेगा, प्लस थीटा नहीं मिलेगा यहाँ पे हम लोगों को, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो अगर ई वाला निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस थीटा बराबर हम लोगों को क्या निकलेगा, माइनस थीटा बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस थीटा, ये वाला
तो माइनस थीटा ये निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, देखो पहले टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, टोटल है माइनस पाई। माइनस पाई किसके बराबर होगा, माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक अगर माइनस थीटा, और अगर ये अल्फा ले रहे हैं तो अगर इधर से एंगल मेजरमेंट करेंगे तो ये भी माइनस अल्फा ही देगा, माइनस अल्फा देगा, नहीं इसको प्लस में, अगर इसको प्लस में लेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, तो थीटा को एन ए लाओ, थीटा को इधर लाएंगे तो हाँ देखो इसी फॉर्मेट में लिखाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज माइनस थीटा में भागेंगे, माइनस थीटा ही भगाएगा हम लोग को, और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर जाए तो इधर हम लोग माइनस पाई ही देगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक माइनस पाई किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल हम लोग को देखो क्योंकि ये वाला एंगल इधर से हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि एक से यहाँ है वाई यहाँ है, तो ये वाला ऑब्वियसली है कि ये एंगल इधर से ही मेजरमेंट होगा, इधर से, और इधर से मेजरमेंट होगा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज प्लस अल्फा में भागेगा। हम लोग को निकालना है थीटा, तो थीटा बराबर कैसे होगा, देखो इस थीटा वही हो जाएगा सर, अल्फा प्लस फिर से अल्फा प्लस का, एंटी क्लॉकवाइज में अगर ये पूरा अल्फा ले रहे हैं तो फिर आ जा रहा अल्फा माइनस पाई, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ये वाला पूरा, अरे पूरा अल्फा कैसे होगा, अल्फा तो हम लोग को यही है ना केवल, नहीं सर, अगर पाई का मान पॉजिटिव लेते तब हो जाएगा। हाँ देखो थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा है, और यहाँ पे देखो ये हम लोग को यहाँ पे माइनस थीटा देगा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग को माइनस पाई, अगर इसको हम लोग पाई के रूप में लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो पाई बराबर ये हम लोग को यहाँ माइनस अल्फा देगा, माइनस थीटा देगा, और फिर ये वाला अगर ये तो इधर से ही मेजरमेंट होगा तो प्लस अल्फा में ही भागेगा। हम लोग को निकालना क्या है, थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, इस थीटा को अगर एन ए करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और बराबर ये अल्फा इस पाई को एन ए माइनस पाई, ये फॉर्मेट में आएगा। तो देखो दोनों तरफ करेंगे ना तो यही फॉर्मेट आएगा, थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई। ये हम लोग को कब निकला, ये जब हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे तब, और ये हम लोग को रहेगा एंटी, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखना कि किसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, किसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। फिर से देखो कैसे हुआ, सुन ये तो हम लोग को यहाँ से ये तो ये वाला फॉर्मेट खत्म कर देंगे, इधर से चाहिए हम लोग को माइनस, ये हम लोग को माइनस थीटा ही होगा, तो टोट हाँ हाँ देखो फिर से हम लोग को क्या था ना, हम लोग को थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों तरफ से बता दे रहे हैं, देखो थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल हम लोग को निकालना है, ये वाला एंगल, यानी देखो हम लोग ये वाला इसको इधर फॉर्मेट में ले रहे हैं तो ये तो पक्का है कि ये इस तरह से घूमेगा, ठीक, और अगर देखो अगर हम लोग यहाँ से ऐसे लेंगे, यानी ऐसे लेने का मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा देखो थीटा एक्स से ही मेजरमेंट होगा, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक, तो थीटा किसके बराबर होगा, थीटा होगा देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, पाई है, पाई, और इधर वाला क्या था अल्फा, तो हो जाएगा थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा, यानी जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक, और जब हम लोग क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घूमेंगे, क्लॉकवाइज यानी ई वाला इधर, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा थीटा में मेजरमेंट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे, तो ये हम लोग को क्या, हम लोग को यही निकालना है माइनस थीटा कितना होगा, तो ये थीटा निकालना है, और यहाँ से देखो अगर इधर भी पूरा हम लोग एक राउंड घूमेंगे तो कितना एंगल बनेगा, फिर से पाई एंगल बनेगा, या इधर से घूमो या इधर से, तो ये पाई एंगल बनेगा, तो पाई बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, यानी ये पाई है तो पाई बराबर क्या क्या मिला, देखो यहाँ से यहाँ तक माइनस थीटा मिल रहा है यहाँ से, और ये वाला इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में प्लस अल्फा, और तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, थीटा निकालना है, तो इस थीटा को ई कब कंडीशन होगा, जब हम लोग क्लॉकवाइज, तो इस थीटा को एन ए ले आते तो थीटा बराबर क्या होगा यहाँ अल्फा, और इस पाई को एन ए ले आएंगे अल्फा माइनस पाई, यही है। तो चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, अब ना इससे हम न्यूमेरिकल पहले एक दो क्वेश्चन बनाते तो फिर ठीक रहेगा और अच्छा से समझ में आए।
फोर्थ क्वाड्रेंट भी बता दें। हाँ कौन क्वेश्चन है बोलो तो, एक क्वेश्चन था बोलो उसको बताते हैं। जेड -2 √3 आई। देखो इसको इसको बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। देखो सबसे पहले इसको हम लोग क्वाड्रेंट में डालते हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में डलाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये एक एक्सिस में क्या जाएगा, एक एक्सिस में एन ए जाएगा -2, ये यहाँ से यहाँ तक -2, और वाई एक्सिस में नीचे कितना भागेगा, माइनस, ये ना भागेगा -2√3, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2 और -2√3 हो जाएगा। ठीक, हम लोग को क्या चाहिए, देखो दोनों तरफ से लेकर बनाएंगे इसको, दोनों तरफ से क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को अगर इसको निकालना है पोलर फॉर्म, तो पहले हम लोगों को इसको पोलर फॉर्म का फॉर्मेट लिखते हैं, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, आर निकालो पहले, आर बराबर क्या निकलेगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2√3, माइक ऑफ रखो ना, इतना का स्क्वायर क्या निकलेगा, 2 × 4 प्लस, देखो 2 × 4 चार दिया ही 12, 12 और 4 16, 16 का अंडर रूट मतलब 4, तो आर बराबर तो 4 निकल गया। अब हम लोगों को निकालना होगा क्या, थीटा निकालना होगा, थीटा, थीटा आप कैसे निकलेगा अब चेक करते हैं। थीटा निकालने से पहले हम लोगों को इसका क्या निकालना होगा, अल्फा निकालना होगा, अल्फा। ठीक, तो देखो टैन अल्फा बराबर क्या निकलेगा, ये बाई ये, तो ये वाला कितना है, ये मान लेते हैं वाई है और ये है एक्स है, तो टैन अल्फा बराबर क्या हम लोग को निकलेगा, वाई बाई एक्स, वो भी मोड के साथ, तो हम लोग को क्या निकलेगा, वाई बराबर क्या है, यहाँ पे देखो टैन अल्फा बराबर वाई बराबर ये वाला है फॉर्मेट, तो वाई बराबर हम लोगों का -2√3 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर क्या है, -2, मोड 2 कैंसल आउट खत्म। तो यहाँ से देखो मिलेगा हम लोगों को अल्फा बराबर टैन इनवर्स रूट, यानी हम लोगों को अल्फा बराबर क्या निकला, टैन इनवर्स टैन पाई बाई थ्री, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या निकला हम लोगों को, पाई बाई थ्री निकला अल्फा बराबर। ठीक ना, ये तो अल्फा बराबर पाई बाई थ्री निकला, लेकिन हम लोगों को निकालना है थीटा, तो थीटा आप कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे हम दोनों तरफ से निकालते हैं दोनों, देखो कंडीशन हम लोग थीटा बराबर निकालने का क्या क्या पढ़े, एक पढ़े क्या पढ़े, एक पाई माइनस, एक पाई माइनस अल्फा, नहीं अल्फा माइनस पाई था ना, उल्टी पल्टी मत बोल, अल्फा माइनस पाई, और एक हम लोग थीटा बराबर पाई प्लस, पाई प्लस अल्फा देखें। हाँ अब देखो निकालो तो थीटा का वैल्यू, यहाँ से पाई बाई थ्री माइनस पाई कितना आएगा, अरे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये माइनस और माइनस, कहाँ दिमाग रख के बोल रहा है तू, यहाँ देखो थ्री क्या होगा, यहाँ पे पाई -2π/3। ठीक, ये को कंडीशन हुआ, और इसको चेक करो, इसको पाई प्लस अल्फा बराबर पाई बाई थ्री, यहाँ से कितना निकलेगा, 4π/3 एंगल कितना आ रहा है, देखो अब हम लोग थीटा का कंडीशन क्या जानते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस और इक्वल देन पाई होना चाहिए, है देखो कौन कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ₹180 × 3 = 18 × 6 = 120 और ये हम लोग को क्या है 4π/3
चार गुने अगर 180 करेंगे तो 3 6 6 24 अरे ये कैसे तुम लोग कर रहा है, देखो तो इसको 4π/3 कितना एंगल आ रहा है, चेक करो। 240 डिग्री तो 240 डिग्री है इस दोनों के बीच में, नहीं सर, तो ये वाला कंडीशन गलत नहीं हो जाएगा। अब ये चेक करो, तो -120 डिग्री तो देखो इसी दोनों के बीच में है, तो ये वाला कंडीशन सही है। तो यानी हम लोगों को पोलर फॉर्म क्या निकलेगा, यार R बराबर कितना निकला, 4 निकलो, यहाँ लिखो यहाँ पोलर फॉर्म 4 cos थीटा की जगह -2π/3 प्लस I sin -2π/3। देखो आंसर है, ये कौन वाला कौन पूछा था, यही आंसर है। पॉजिटिव में दिया है, अल्फा माइनस ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो आया नहीं। देखो अब इसको चेंज करना है तो चेंज करो, कॉस माइनस थीटा इसको माइनस में डालो, यहाँ माइनस में इसको प्लस में करो। एम्पलीट्यूड यहाँ से तो अल्फा निकला रहे, -2π/3 तो ही आ रहा है एम्पलीट्यूड। अच्छा मोड, मोड वाला मोड का कंडीशन होगा तब, पाई प्लस तो ये पाई प्लस अल्फा क्या करना है, अभी ना कंडीशन इतना तेजी में झमेला लगाए थे तब नहीं समझ समझ में आया। अरे तो दोनों करे से ना हम लोग घूमे थे, इन्हों से घूमे और इन्हों से घूमे, दोनों में से अब कंडीशन चेक करना होगा, दोनों चेक करना होगा, दोनों में से कंडीशन किए तो हो गया। अब पाई बाई सिक्स कहाँ होगा, हाँ भाई साहब तुम अलग है, तुम अलग है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल का तुम हो सर। वहाँ पे यदि नहीं, ये ठीक है, ये सही है, यस सर सही है, आंसर गलत है, आंसर वो तुम्हारा मिस प्रिंट होगा। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन थीटा का फॉर्मेट में रहेगा ना, तो इसको इतना ही तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं तुम्हारी बातों को, तुम्हारी भावनाओं को। चलो ये सेम तरीका यही रहेगा, जैसे एक और हम लेते हैं उसको बनाते हैं। बोलो -1 -i, देखो जेड बराबर एक बोल रहा है -1 -i, तो देखो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में भाग रहा है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में एनी भागेगा, यानी -1 और -1 यहीं पे भागेगा। ये हम लोग को पहले यहाँ पे अल्फा निकालो, अल्फा आर कितना निकलेगा, आर निकलेगा √2 लग रहा है, चलो आर -3/4 और फिर अल्फा क्या निकलेगा, नहीं रुक जा पहले फिर से निकालते, अल्फा यानी tan अल्फा बराबर क्या निकलेगा, मोड ऑफ 1/1,
माइनस यस साइन, माइनस वन बाय अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर, यानी अल्फा बराबर क्या निकला, पाई बाय फोर निकला। और जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट कंडीशन बैठाओ, और क्या दोनों कंडीशन बैठाओ, जब थीटा बराबर अब क्या निकलेगा, अल्फा माइनस पाई, अल्फा बराबर क्या है पाई बाय फोर माइनस पाई, फोर यहाँ फोर पाई देखो माइनस थ्री पाई बाय फोर, अभी थीटा क्या निकल रहा है माइनस थ्री पाई बाय फोर, ये कंडीशन चेक करो पहले है कि नहीं, माइनस थ्री पाई बाय फोर हुआ थीटा बराबर। अब कंडीशन क्या है हम लोग का थीटा का, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस और इक्वल देन पाई, चेक करो तो है इसके बीच में, आ रहा है ना। और देखो एक और कंडीशन, एक और हम लोग कंडीशन देखे थे थीटा बराबर अल्फा प्लस पाई, इसको भी चेक कर लेते, देखो दोनों कंडीशन चेक करके चलो, इसको चेक कर लेते हैं, अल्फा है पाई बाय फोर प्लस पाई, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि देखो पाई, ये पाई में कुछ जुट जा रहा है और हम लोग को पाई तक ही है, तो ये कंडीशन तो होगा ही नहीं सेटिस्फाई, इसीलिए देखो इसीलिए हम लोगों ने पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई करवा दिया, इसीलिए हम लोगों को एंटी क्लॉक वाइज वाला नहीं ले रहा है। अब समझना बात को वहां पे, क्यों ये कंडीशन लिया, क्योंकि हम लोगों को इसके पहले भी कंडीशन दिया हुआ था कि थीटा का वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ही होना चाहिए, और ये वाला देखो पाई से हमेशा हर एक कंडीशन में क्या होगा, पाई से बाहर ही भागेगा ये, क्योंकि पाई के साथ प्लस पाई प्लस ये वाला यस सर पाई पाई बाय फोर ले लिया कहां पे, पाई पाई बाय फोर ले लिया सर, विनर वाला का बुक में देखिए 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नहीं तो अब ये क्वेश्चन गलत है, उसमें गलती मेंशन तब किया होगा, इसे सर आंसर दिया ही दे दिया, आगे का फ्यूचर आगे का आज में सर आंसर सही है माइनस थ्री पाई बाय फोर, यही होगा क्योंकि हम लोग को कंडीशन तो देखो ये है, ये कंडीशन को तो वैलिड करना है, वो छाप दिया है वैसे लग रहा है, तब उसको अभी खाली उससे क्वेश्चन देखो, उसको आंसर पे भरोसा मत करना, जो पीडीएफ भेजे ना उसमें भी बहुत गलत है, अरे हाँ देखो ना ये सब जो हम जो बुक दिए ना ये सब ना बाद में लोग सब बनाया है ना, वो वाला बुक दिए हैं तुम लोगों को हम, जैसे एक स्पेशल आर एस अग्रवाल, ये सब क्या है, ये सब थोड़ा पॉपुलर बुक है और ये सब भरोसे लायक बुक है, आर डी शर्मा के सी सिन्हा ये सब भरोसे लायक बुक है, तो ये सब पे मतलब तुम आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन ये सब जो रेफरेंस बुक टाइप का रहता है ना ये सब सही दे देता है, तो ये सब पे गलती होता है। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में समझ में आया, अब किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मेट दे तो बना देना, अच्छा इसको पोलर फॉर्म में लिख देते हैं, तो जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर बराबर रूट टू, देखो कॉस थीटा की जगह क्या हम लोग को माइनस थ्री पाई बाई फोर, इसी फॉर्मेट में छोड़ देना ना, क्योंकि पोलर फॉर्म में तोड़ते उड़ते नहीं है, डायरेक्ट छोड़ दो ऐसे ही, प्लस आई साइन थीटा बराबर माइनस थ्री पाई बाई फोर। देखो अब तुम लोगों को ना कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करता है उसका तो तरीका बता दिए, तुम लोग बना लेना, कभी कभी ना यहाँ से ना डायरेक्ट पूछेगा ना, डायरेक्ट पूछेगा कि एम्पलीट्यूड निकाल के बताइए, तो केवल अगर एम्पलीट्यूड पूछेगा ना तो ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब आर और कुछ नहीं निकालना, बस डायरेक्ट हम लोग को यहाँ से ये करना है टेन अल्फा से निकालना और हम लोग को एम्पलीट्यूड मतलब थीटा निकाल देना है बस, और कुछ नहीं, जैसे यहाँ से क्वेश्चन भी बोल सकता था माइनस वन माइनस आई का एम्पलीट्यूड निकाल के बताइए, बोल सकता था ना, तो एम्पलीट्यूड बोलता ना तो केवल हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल दे, सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं और इसके बाद जो थीटा का कंडीशन है वो वाला थीटा निकाल के और फिर वही हो जाता हम लोग का एम्पलीट्यूड, जैसे देखो ये हम लोग को क्या निकला थ्री पाई बाय फोर, यही निकला एम्पलीट्यूड।
ठीक ना। तो अगर कुछ भी क्या आर्गुमेंट इसी को एम्पलीट्यूड, हाँ इसी को आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट भी इसी को बोलते हैं। तो नाम याद रखना, नहीं तो भुला मत जाना कि एम्पलीट्यूड अलग होता है आर्गुमेंट अलग होता है। तो देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, हाँ हाँ बोलो हाँ, थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू ये वाला है, इसके इसी के अंडर में रखना है हम लोगों को, कंडीशन को एकदम सेटिस्फाई करवा देना। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर जैसे हम लोग पढ़ते थे ना इनवर्स में, इनवर्स में पढ़ते थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जब प्रिंसिपल वैल्यू में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता था तो उसको वहां तक लाते थे प्लस माइनस पाई से कनेक्ट करके। तो नहीं अगर होगा तो उसी तरह से इसमें भी करना है, लेकिन हो जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू के थ्रू सब ये बनाया हुआ है, ये सब थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई से। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो थीटा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है माइनस अल्फा के बराबर। हाँ हो गया। अब तो तुम लोग को ये सब सारा चीज, एक और तुम लोगों को पॉइंट बचा हुआ है डी मॉर्गन्स थ्योरम, हाँ वो अब तुम लोग को हम डी मोई नहीं डी मॉर्गन्स ना डी मोइफर्स।